हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का टपर। और आज है 3 जून 2020। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन किसने विकसित किया है। तो अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर हम बात DRDO की करें, क्योंकि इससे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर और पहले भी पूछे गए हैं, तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में स्थित है। किसका? DRDO का। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। और प्लीज़ सब्सक्राइब में आगे जब आप सब्सक्राइब करें तो ऑल पर प्रेस ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1,832 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। तो केंद्र सरकार ने आवंटित किए हैं बिहार को। किस राज्य को? बिहार को 1,832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जल जीवन मिशन के तहत। अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली महिला DGP नियुक्त हुई हैं। आर श्रीलेखा जो हैं एक IPS अधिकारी हैं और इनको केरल राज्य की पहली महिला DGP बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, यानी कि इससे पहले केरल राज्य के अंदर कोई महिला DGP नहीं थी। अब ये वहाँ की प्रथम महिला DGP वहाँ की बनी है। कहाँ की? केरल की। तो इनको एक तरह से कहें कि केरल का प्रथम महिला DGP होने का गौरव भी इनको प्राप्त हुआ है, आर श्रीलेखा को। अगर बात केरल की करें तो यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और अगर बात केरल की मुख्यमंत्री करें तो पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल। कहाँ के? केरल के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अश्वनी भाटिया को किस बैंक ने अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो अश्वनी भाटिया को नियुक्त किया है SBI ने। किसने? SBI ने अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। बात SBI की यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। किसका? SBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। किसको? अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल किसने लॉन्च किया है। तो हाल ही में COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आपको याद रखना है WHO के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय स्थित है। किसका? WHO का, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, MSME क्षेत्र के लिए तकनीक आधारित समाधान चैंपियंस। क्या? चैंपियंस। एक डिजिटल है तकनीक आधारित समाधान चैंपियन किसने लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया है जो MSME क्षेत्र होता है उसके लिए लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहाइंड द मास्क COVID-19 पर किताब किसने लिखी है। तो बिहाइंड द मास्क COVID-19 पर किताब लिखी है हाल ही में मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा एक किताब लिखी गई है। ये एक प्रसिद्ध लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लाइजी नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो फ्लाइजी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है IIT गुवाहाटी के छात्रों के द्वारा। किसके द्वारा? IIT गुवाहाटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया है। और इसकी अगर हम बात यहाँ पर IIT गुवाहाटी की करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में।
कब हुई थी? 1944 में आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना हुई थी। इस ऐप का काम क्या होगा, एक काम क्या करेगा? यह ऐप संकट के बीच यात्रियों के लिए हवाई सफ़र को सुरक्षित बनाता है। यदि कोई भी यात्री है वो हवाई सफ़र कर रहा है, उसके मोबाइल के अंदर यदि ये ऐप है, उसके पास ये ऐप है, तो उसका जो सफ़र है वो सुरक्षित हो जाएगा। उसके अंदर विभिन्न जानकारी, उसको जागरूकता, उसके प्रति जागरूकता की और सावधानियां बरतने के लिए वो ऐप उसका माध्यम बनेगा। वो जो ऐप है ये इसका काम करेगा, इसीलिए इसका नाम फ्लाईजी रखा गया है। ये हवाई यात्रा से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया गया था? तो तेलंगाना गठन दिवस 2014 में तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाया गया था, तो 2 जून 2014 को बनाया गया था। तो 2 जून को ही तेलंगाना गठन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 जून को। बात अगर हम तेलंगाना राज्य के बारे में करें तो राजधानी हैदराबाद है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं तमिल साई सौंदरा राजन। कौन है? तमिल साई सौंदरा राजन। अब इसे 2014 में किस राज्य से लग करके बनाया गया था? 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कर, यानी कि आंध्र प्रदेश का दोबारा से गठन किया गया था, उसके बाद इस राज्य को बनाया गया था। अगर सीधे सीधे कहें तो आंध्र प्रदेश में से किस को एक हिस्सा काट कर उसको विभाजित करके ही तेलंगाना एक नया राज्य 2014 में 2 जून 2014 में बनाया गया था। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल सफलता का अड्डा और ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।